यह एक कठिन सवाल है, क्योंकि असम में आज अगर आप जाके ग्राउंड लेवल पे पूछताछ कीजिएगा, एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। ये नेशनल लेवल पे ऑलरेडी हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फेनोमेनन था वो खत्म हो गया। नेशनल लेवल पे एक प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए है, और असम में मैं इस यही फेनोमेनन को देख रहा हूं। आप जाके पूछ सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे माहौल बहुत पॉजिटिव है। और आप ऑपोजिशन पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, इनका जो गठबंधन है ये अन्य राज्यों में तो फेल कर चुके हैं। असम में 2-2.5 महीने पहले कांग्रेस और यूडीएफ ने मिलकर लड़े थे जो बोडोलैंड एरिया में लोकल काउंसिल इलेक्शंस, कुछ 40 सीटों में से उनको एक सीट मिली। तो क्या हम उनको कहें प्रमुख ऑपोजिशन, क्योंकि वही गठबंधन है जो हमारे खिलाफ लड़ रही है। तो इसका इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि उन लोगों का स्थिति वहाँ ग्राउंड पे बहुत ही कमजोर है। सर, एक और सवाल है। रिपोर्ट है कि 2016 से 20 तक में 170 एमएलएज कांग्रेस के बाहर निकले हैं और वो ज़्यादातर भाजपा में ज्वाइन किए हैं। आसाम में भी बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन किए हैं। आप अगर देखेंगे पिछले कई सालों से केवल एमएलएज नहीं, सांसद भी, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए, लोकल लेवल पे भी, और कोई एक प्रदेश में नहीं, भारत में विभिन्न रीजन्स में ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और इच्छुक हैं। अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखें तो और भी बहुत आ जाएंगे। सिचुएशन ऐसा है कि अभी लोगों को पता चल गया है, खास करके राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक चेहरा है, उनको पता चल गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 21st सेंचुरी में भारत को न्यू इंडिया बनाने में सक्षम हो रहा है, और वो इनसे ज्वाइन करना, जुड़ने चाहते हैं। जबकि जो दलों में वो है, जैसे कांग्रेस दल हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस दल की स्थिति क्या है। वो डे बाय डे उनके सीनियर लीडर छोड़ रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका एक वजह तो है कि उनका इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कल नेता बन सकता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उदाहरण है। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुकी है। सर, एक और सवाल है। चूंकि आप लोगों में चुनाव है, दो फेज के सारे सीट्स आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन लोगों की नज़र तीसरे फेज के सीटों पे है। वो कब तक इसकी घोषणा कर देंगे सर? पहले दो फेज के तो घोषणा हो गए हैं और सब नॉमिनेशन भी हो गए हैं, और तीसरा फेज का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 19 तारीख को है। कल हमारे दिल्ली में बैठक है। हमारा जो प्रोसेस है ये आपके दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वो नीचे से कंसल्टेशन प्रोसेस से आता है ऊपर, तृणमूल स्तर से, बूथ लेवल से, मंडल लेवल से कार्यकर्ताओं का मत लिया जाता है, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, प्रदेश लेवल से पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मत लेने के बाद यहाँ ऊपर आके हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वहाँ चर्चा होता है। तो ये एक बहुत ही कंसल्टेटिव प्रोसेस, सबसे सही, सब जगह सही कैंडिडेट चुनने के लिए, और बहुत ही अच्छा चल रहा है, हो जाएगा इन टाइम। कल बैठक के कल बाद बैठक है दिल्ली में और एक दो दिन में हो जाएगा।